दोस्तों इसके काम देखें, इसलिए इसको पहले हुई सुल्तान नहीं। तो दोस्तों चेक करें इनका अंडा, वो पड़ा हुआ है। ये अंडा जो उनसे है ना यार, ये पता नहीं किसका अंडा है, मुझे लग रहा है कि यार ये इसका है लक्के का, ठीक है, ये लक्की कबूतरी है, इसका अंडा है, ठीक है। इन्होंने अंडा इधर नहीं दिया, उधर दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं जब छत पे आया हूँ ना, तो आते साथ मैंने देखा है कि एक इधर अंडा टूटा पड़ा हुआ है, तो मैं बड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे टूट गया, शायद इनका ऊपर से नीचे गिरा है तो ये भी टूट गया। पहला तो एक टूट गया था, लेकिन नहीं, उनका अंडा ऊपर ही है, वो इंक्यूबेट कर रहे थे, बैठे हुए थे। मुझे लग रहा है ये जो अंडा है ना, जो नीचे, ये अंडा इनका है, ये लक्कों का है। लेकिन यार फिर से एक नुकसान हो गया दोस्तों, समझ में ये बात नहीं आती कि यार ये अंडे क्यों टूट रहे हैं, या कोई प्रोफेशनली इनका भी मैंने कुछ सेटअप नहीं बनाया सीधा करके, शायद इसलिए नुकसान तो हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो दोस्तों चेक करें इनका अंडा, वो पड़ा हुआ है। ये अंडा जो उनसे है ना यार, ये पता नहीं किसका अंडा है, मुझे लग रहा है कि यार ये इसका है लक्के का, ठीक है, ये लक्की कबूतरी है, इसका अंडा है, ठीक है। इन्होंने अंडा इधर नहीं दिया, उधर दे दिया। पता नहीं ये टूट कैसे गया यार, शायद इनका खुद का पाऊँ आ गया। माशाल्लाह बच्चा चेक करें, बच्चा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर में है यार, पीछे हो जा। तो दोस्तों ये देखें, अंडा बहुत ही बुरे तरीके से टूटा है यार, बहुत ही बुरे तरीके से टूटा हुआ। तो दोस्तों पता नहीं यार, 3 से 4 अंडे टूट चुके हैं, काफ़ी नुकसान, यानी कि ये जो है ना 2 ही अंडे देते हैं, और फैंसी सारे पिजन हैं, इनके अंडे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे आने थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है। खैर एनी वेज, अंडा मैंने दोस्तों वहाँ पर रख दिए, वो पड़ा हुआ है। अभी ये थोड़ी देर में ना हम इसे वेस्ट कर देंगे, या हम अपने छोटे गैंग के आगे डाल देंगे, वो खा लेंगे इन्हें। तो दोस्तों खैर एनीवेज, कुछ नहीं होता, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तो खोलते हैं इन सबको बारी बारी से, ताकि ये बाहर आएँ और अपना दाना पानी खा सकें। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। दोस्तों ये जैसे ही बाहर आएंगे ना, तो इधर करके छिपू के नीचे कर देंगे, क्योंकि ये बाकी जो बाहर निकलेंगे ना, तो फिर ये मारती है मुर्गी। चलो चलो आ जाओ ना यार, ओहो चलो शाबाश, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ यार, अपनी जगह पे चलो तुम, चलो शाबाश, चलो 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 चलो। वो देखो दोस्तों निकल गई, भाग गई है। चलो दोस्तों इसे पकड़ते हैं, चले। तो अब ये यहाँ पे ओके, अब हम खोलेंगे हमारी मैडम को। चलो बच्चों को लेके उधर, शाबाश, चलो चलो भागो भागो भागो। तो दोस्तों अब हम माशाल्लाह जो हमारे नए मेहमान आए हैं उनको खोलते हैं। चलो आओ भाई, बच्चों को लेके बाहर आओ। आज दोस्तों फर्स्ट टाइम ये बाहर आने लगी है बच्चों के साथ, अगर आ गई तो। दोस्तों कोशिश करते हैं हाथ से पकड़ के निकालने की, बुला रही है। चलो आ जाओ भाई, चलो बाहर, मार दिया पंजा यार। चलो चुटकू आ जाओ तुम भी बाहर, काटी कर रहे हो, कितने से हो तुम और काटी कर रहे हो तुम मुझे, हैं काटी कर रहे हो। चलो आइए लो, चलो बाकियों को भी बुलाओ, चलो बाकियों को भी बुलाओ तुम। नहीं दोस्तों अभी बुलाने का कोई इरादा नहीं है इसका। चलो चलो ले, वो भी चुटकी अंदर चला गए। चलो ठीक है, अंदर ही ठीक है। चलो तुम भी फिर बच्चों के पास पास ही रहो, तुम्हें केले बच्चों को केला नहीं छोड़ना तुमने, ठीक है। तो दोस्तों ये बंद कर देते हैं फिर, अगर वो नहीं आना चाह रही तो कोई बात नहीं। दोस्तों इनका मुझे काफ़ी अफसोस तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेल है जो इस टाइम इंक्यूबेट कर रहा है अंडे को, ये फीमेल है, ये फीमेल है, मुझे लग रहा है इसने अंडा दिया है यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर टूट गया, टूट चुका है। चलो अपने पिजन्स को बाहर निकालते हैं दोस्तों। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ तुम, आ जाओ, चलो शाबाश। दोस्तों उनको अंदर ही रहने देंगे, बच्चे को भी और उनको भी। चलो आओ भाई तुम भी, स्नो वाइट आ जाओ भाई, मारना नहीं लड़ना नहीं किसी के साथ, ओके। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश। तो दोस्तों ये आ चुके हैं, आ जाओ भाई ब्लैक एंड ब्लैक ही, तुम भी बाहर आओ, चलो भागो। चलो तो दोस्तों इनको खोल दिया, बटेरों की अपडेट ले लेते हैं, इनको दाना पानी अंदर ही मिलेगा, नहीं तो ये उड़ जाएंगे दोस्तों। वे पर खिला रहा, पता नहीं उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मेल है दोस्तों, चेक करें माशाल्लाह, ये मेल है, ये फीमेल है। चलो दोस्तों छोटू गैंग को भी थोड़ी देर के लिए खोलते हैं।
चलो आ जाओ बच्चों। अरे ऐसे आते हैं भाई, ये देखो ऐसे भाई रहे हैं जैसे जेल से छूट के आए हैं ये सारे के सारे। दोस्तों इसके काम देखें, इसलिए इसको पहले हुई सुल्तान नहीं वाइट है। मैंने ना तुम्हें बंद कर देना अंदर, तुम बाज ही नहीं आ रहे। अगर तुम इधर आओ, अगर तुम अब लड़े ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं हमारे बजीस, माशाल्लाह से बजीस हमारे चेक करें, और हमारे कॉकटेल का पेयर बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों नहीं बाज आ रहा यार, ये बाज नहीं आ रहा। तो इसका हल ये, इधर आ तुम्हें मैं बताता हूँ, सब्र करो तुम ना अपने घर में ही ठीक हो। चलो तुम इधर ही अंदर ही ठीक हो, जो जो लड़ेगा उसकी सजा यही है कि वो अंदर ही रहेगा। तो दोस्तों हम अपने रैबिट्स को कैसे बोल सकते हैं, तो उनको भी खोलते हैं। क्योंकि अभी तक तुम्हारा नाम नहीं फाइनल हुआ, चलो आओ कल तुम्हारा नाम फाइनल करते हैं। चलो चल शाबाश, तुम भी आ जाओ। ओ बाहर आओ, बाहर आओ, चल शाबाश। तो दोस्तों ले वो भाग गया अंदर स्टोर रूम में। तो ये बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह से, देखें माशाल्लाह सब खुश हैं, बहुत खुश हैं सारे के सारे। मैडम उधर बच्चों के साथ। ये भी बाज नहीं आ रही, ये देखें इसके काम चेक करें। तुम्हारी भी सज़ा यही है कि तुम भी अंदर ही रहोगी, अब से कोई चक्कर नहीं। चलो 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 शाबाश, तुम ना अंदर ही ठीक हो, दोनों छोटू गैंग को मार रहे हो तुम। अच्छा दोस्तों ये देखें वो बाहर गए हैं, तो वो नीचे आई है बेचारी खाने के लिए, उसको मारते हैं तो इसलिए जो सा ना ये ऊपर से नीचे ही नहीं आते। माशाल्लाह वो अब ठीक हो गया काफ़ी हद तक। दोस्तों चेक करें इसके मुंह पे, पता नहीं क्या हो गया था, स्वेल हो गया था सारा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो गए ये, माशाल्लाह ओके बच्चा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों माशाल्लाह से सारे के सारे खुश हैं, हमारे जो लक्के हैं वो उस केज में चले गए हैं, ब्लैक एंड ब्लैकी के केज में चले गए हैं। स्नो वाइट को मैंने अंदर ही बंद कर दिए। ओए 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 ये क्या है, ओए इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दोस्तों माशाल्लाह चेक करें, ग्रोथ चेक करें माशाल्लाह। चलो भाग जाओ। ओए ये क्या खा रहे हो तुम, चारा निकाल रहे हो, ये हमारे बटेर चेक करें। दोस्तों माशाल्लाह से रोनके लगी हुई है, इसने मुंह में क्या डाल दिया। ओए अंदर नहीं जाना लेके यार, ये अंदर ले गया पता नहीं क्या था, वो देखें छुटकू स्टोर रूम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोनके लगी हैं सारी, तुम भी बाहर आ जाओ। ओए देखें दोस्तों उसके बच्चे के पास एक चूज़ा आया है, और उसको कैसे मारने के लिए आगे आई थी। दोस्तों मैडम ने और मैडम के बच्चों ने अपनी जगह पक्की कर ली हुई है, ये देखें ये यहाँ पर ही खेलते रहते हैं, जो कि अच्छा है खेलो खेलो तुम यहाँ पे। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक एक ही अंडा दिया था, उसके बाद अभी तक कोई अंडा नहीं दिया, तो इनके लिए भी जल्दी घर बनवा रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि ये अच्छे से ब्रीड कर सके। पानी का हाल देखें क्या किया है, और दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और वैसे भी हमारे पास भी स्टोर रूम में सारे का सारा दाना ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ी देर में ब्लॉग ख़त्म करके हम सारे का सारा दाना लेके आएँ, ताकि ये 10 दिन तक दाना हमारा चल सके। तो बच्चे चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 ही अभी तक निकले हैं चूज़े माशाल्लाह, सारे के सारे देखें एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, चेक करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं चाह रहा था वही हुआ, इंक्यूबेटर से बच्चे निकलवाए हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके नीचे जो उनसे थे ख़राब अंडे रख दिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात के टाइम, रात के 2-3 बजे लाइटें बंद करके, फिर इसके नीचे जो उनसे है ना बच्चे जो निकले थे वो इसके नीचे रख दिए टूटे अंडे समेत ही, ताकि ये इसको ऐसा लगे कि ये बच्चे मेरे अपने हैं और मेरे नीचे से निकले हैं, ताकि ये जो उनसे है ना फिर उनको प्यार से पाल सके, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी हो गए। तो दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, शाम का टाइम हो गया, दाना लेने भी जाना है, इनको दाना पानी भी डालना है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। अभी के लिए दें इजाज़त, आप मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज़।